हमारे साथ कुणाल बोथरा आप जुड़ गए हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून। बाजार में हम देख रहे हैं एक लेवल में कामकाज 16,397, 16,400 इसी के ऊपर निफ्टी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। आप वीकली एक्सपायरी है और आज सुबह आप विक्स की बात कर रहे थे। विक्स जिस तरह से आपने कहा था उसी तरह डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, आगे के लेवल्स आपको क्या लग रहे हैं? जी हाँ, आई थिंक आज का दिन हम कहेंगे कि काफी साइडवेज है, डल है इंडेक्सेस के लिए। बट यू नो, जो एक्शन है जो हम देख रहे हैं मार्केट्स में, वो मिड कैप्स स्मॉल कैप्स में बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है। काफ़ी सारे स्टॉक्स में हम पहली बार आई वुड से यू नो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू प्राइस एक्शन भी देख रहे हैं। काफ़ी स्टॉक्स में वॉल्यूम प्राइस ब्रेकआउट भी आ रहा है। PSU स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छी मोमेंटम आई है। सो आई वुड से आज का डे इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए शायद थोड़ा एवरेज डे रहेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडर्स के लिए स्पेशली मिड कैप्स यू नो चुनिंदा स्टॉक्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले रहा है। लेवल्स की बात करूंगा तो यू नो सेम लेवल्स रहेंगे जो लगभग मैंने मॉर्निंग में फ्लैश आउट किया था कि 16,200-16,250 के आसपास एक सपोर्ट है यू नो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, और 450 के आसपास जो एक रेजिस्टेंस है, जो दो दिन से एक VWAP का भी रेजिस्टेंस बन रहा था इंडेक्स पे, तो हो सकता है हम ये 200 पॉइंट्स के यू नो न्यू रेंज पे इंडेक्स ट्रेड कर सके। बट बैंक निफ्टी मेरे अनुमान से आई थिंक एक इंटरेस्टिंग जंक्चर पे आ चुका है। बुलिश फ्लैग पैटर्न आर्ली चार्ट में बैंकिंग इंडेक्स में बन रहा है और हम लगातार उस लोअर एंड ऑफ द यू नो फ्लैग पैटर्न के सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो पॉसिबल हो सकता है कि अगर आने वाला मूव बैंकिंग इंडेक्स पे स्ट्रॉन्ग रहा तो हो सकता है कि मार्केट की सेंटिमेंट भी थोड़ी लिफ्टअप हो सकती है और निफ्टी और काफी सारे सेक्टर्स में भी एक माइनस सा ब्रेकआउट भी दिख सकता है आने वाले कुछ एक दिनों में। क्या बात है, एकदम फ्लैग दिख रहा है वाकई में। बहुत बढ़िया, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है क्या? इंटरेस्टिंग। रिलायंस में आपने कल कॉल दी थी, परसों कल, और आज 1.5% ऊपर है, आप रिविजिट करेंगे अपनी? तो सेम कॉल सेम रहेगी यू नो अजय जी, जो मैंने कल भी मैंने इंडिकेट किया था कि 26.25-26.50 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बिकॉज ब्रॉडर स्टॉप लॉस रखा था ताकि स्टॉक वॉलिटिलिटी एब्जॉर्ब कर सके। और अपसाइड में मैं यू नो जो टारगेट रखा था, आई थिंक 3,000 के आसपास का टारगेट रखा है, मैं मेंटेन रहूंगा उस यू नो कॉल के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक रिलायंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर बन के उभर के आ रहा है कंसिस्टेंटली। आज भी अगर हम देखें तो अगर रिलायंस यू नो जो निफ्टी में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, वो लगभग निफ्टी की जो सारी 30-40 पॉइंट्स की गेन है वो रिलायंस इटसेल्फ यू नो प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि रिलायंस की जो अपट्रेंड वो बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है। ओके कुणाल, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स रिकमेंडेशन कौन से बता रहे हैं आप? मिड कैप स्टॉक्स पे फोकस ज़्यादा रहेगा, दो बाय कॉल्स। पहला रहेगा ICICI प्रू, जो मैंने 2 या 3 दिन पहले भी फ्लैग आउट किया था। इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है बिकॉज आज वापस से स्टॉक ने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है। टारगेट सेम रहेंगे 585 के, स्टॉप लॉस भी 535 का इन्हें रिपीट करूंगा ICICI प्रू पे। ट्रेडर्स यहाँ पे भी फ्रेश पोजिशन ले सकते हैं। प्राज इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे अनुमान से आई थिंक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने कंप्लीट इधर करने जा रहा है। स्टॉक हालांकि 200 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, बट लगातार दो दिन से हम कंसिस्टेंसी ऑफ प्राइस एक्शन देख रहे हैं प्राज इंडस्ट्रीज में, तो इसको भी बाय के लिए रिकमेंड करूंगा। टारगेट 355, स्टॉप लॉस 325। बिल्कुल कुणाल, शुक्रिया आपका ये स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आपके देने के लिए। ICICI प्रूडेंशियल, प्राज इंडस्ट्रीज तो है ही, लेकिन रिलायंस की कॉल जो कि कल कुणाल ने दी थी इस पर भी फोकस कीजिए। 3,000 तक के टारगेट्स हैं जिसका इंतजार यहाँ रहेगा। हमारे साथ नुरेश मिरानी भी जुड़ गए हैं। नुरेश, गुड आफ्टरनून। बाजार में हम देख रहे हैं बिल्कुल एक रेंज में कामकाज, या कह सकते हैं डल डे नजर आ रहा है, और वीकली एक्सपायरी के दिन अब जिस तरह से 16,400 के आसपास ही निफ्टी झूलता हुआ, आपकी राय क्या होगी और स्टॉक्स भी बताएं? So, अभी भी वही रेंज के आसपास सपोर्ट्स मिल रहा है 16,300-16,400 निफ्टी पर, और 34,600-34,800 बैंक निफ्टी पर, तो यही रेंज मेंटेन्ड है और अभी भी मोमेंटम नहीं है कोई भी साइड पर। बट यही सिमिलर फॉर्मेशन वर्ल्ड ओवर है। अगर हम US मार्केट्स भी देख ले तो डाउ जोन्स भी 1,000 पॉइंट के रेंज में है, और कोई भी ग्लोबल मार्केट्स देख ले तो यही रेंज बाउंड मूव्स है। तो जब भी इस रेंज के बाहर निकलेंगे तब मोमेंटम बेटर होगा। थोड़ा बहुत रिवर्सल दिखाई दे रहा है इंट्राडे में काफी स्टॉक्स में, सो स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, और 16,800 जब भी क्रॉस हो जाए तब मोमेंटम बढ़ेगा, तब तक ऐसे ही फ्लिप फ्लॉप चलता रहेगा। नुरेश जी, शेयर्स बता दीजिए फिर। सो सबसे पहले रहेगा बाय ऑन यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है और आज एक रिवर्सल कैंडल दी है बड़ी। सो यहाँ पे मिनिमम टारगेट प्राइस होगा 830, और जब वो 830 क्रॉस हो जाएगा तो एक मेजर रिवर्सल हो जाएगा। सो स्टॉप लॉस 779, टारगेट 830। दूसरा बाय रहेगा महाराष्ट्र सीमलेस, स्टॉप लॉस 580, टारगेट 720। थोड़ा ये मीडियम टर्म कॉल रहेगा, बल्कि और भी लॉन्गर टर्म कॉल भी हो सकता है। एक लौता स्टॉक है जो स्मॉल कैप में एक अच्छा 52-week हाई बना रहा है, और जिसमें करेक्शन हुआ ही नहीं था पूरे फॉल में। सो पूरे फॉल में लास्ट 3-6 महीने में इसने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनाए हैं, और 12-15% से ऊपर से करेक्शन नहीं आया, तो क्लियर कट ब्रेकआउट है लास्ट 2 दिनों में। सो
यहाँ पे बाय रहेगा करंट लेवल्स और एज वेल एज डिप पर। ठीक है, दो शेयर हो गए आपके, एक तो महाराष्ट्र सीमलेस आप बता रहे हैं 720 का टारगेट, और एक यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो खैर आज सुबह खबर भी आई थी कि एक्साइज ड्यूटी जो है पंजाब में वो कम हो रही है, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको, यूबीएल सभी के सभी शेयर आज थोड़े एक्टिव है, अब 2.5% ऊपर आ गए। नरेश बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नागराज शेट्टी और राजेश पालविया मेरे साथ और जुड़ चुके हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं। राजेश जी आप जरा बताएंगे आपका व्यू क्या है अभी निफ्टी पर और साथ ही आपके शेयर्स भी। सर गुड आफ्टरनून जी, देखिए आज की ऑप्शन एक्सपायरी है तो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी तो जरूर है, लेकिन हमें लगता है अभी तक का जो डेटा बन रहा है उसके आसपास हमें लगता है 16,350 से 16,400 के आसपास ही आज की एक्सपायरी, इसके बीच में ही कहीं एक्सपायरी होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द डे जिस तरीके से मार्केट ने लोअर साइड से एक रिकवरी दी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक यहाँ पे हम निफ्टी पे देखें 16,350 ये एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, जहाँ पे मल्टीपल टाइम हमने देखा कि अगर कोई डिप भी आती तो ये लेवल्स को यहाँ पे डिफेंड करके मार्केट पुलबैक जरूर देते हुए दिख रहा है। अब हमें लगता है कि यहाँ से अगर निफ्टी में 16,450 का रेंज लेवल क्रॉस होगा तो ये पुलबैक एक्सटेंड होते हुए हायर साइड पे 16,500-550 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है, लेकिन ये आज के सेशन में तो हमें लगता है 16,350 से 16,400 के बीच में ही कहीं कटान एक्सपायरी होते हुए दिखेगी। लेकिन अगले सेशन में हमें लगता है कि इंटरेस्टिंग मूव होगा और यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब यहाँ पे 16,320 का, अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से 16,500 तक आते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल नागराज के पास वापस जाऊंगा मैं। नागराज बायोकॉन के स्टॉक प्राइस को एक बार हमारे लिए चेक करके बताइए, सुबह हमने प्री मार्केट में डिस्कस करवाया था अपने व्यूअर्स को, क्योंकि इसके अंदर बायोकॉन बायोलॉजिक्स जो है अगर प्री मार्केट ने भी लिया होता 2-3 रुपए ऊपर भी, हालांकि एक बड़े गैप के बाद खुला, तो वहां से भी इससे पैसा बनाए, डेज हाई की तरफ है, क्योंकि इसके बायोकॉन बायोलॉजिक्स जो इनका आम है उसकी सब्सिडरी ने कहा है कि हम अपना रेवेन्यू गाइडेंस 3 टाइम्स कर दिया, बढ़ा दिया, जरा ग्राफिक लेके आइए, और उसकी वजह से आज ये 335-336 के आसपास आ गया है। जरा इसके चार्ट को हमारे लिए चेक करके बताएं कि किसी ने ले रखा हो या आज सुबह लिया हो तो इन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या इसमें और पैसा बनेगा यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, बायोकॉन आज अच्छे खासे एक बाउंस बैक दिखने को मिला है। अगर लास्ट 2 दिन से एक इंडिकेशन दे रहा था जो हैमर टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ डेली टाइम पे और एक फॉल्स डाउनसाइड ब्रेकआउट जैसे एक पैटर्न फॉर्म हुआ, इसको इससे एक अंदाजा मिल सकता था कि एक अपसाइड बाउंस के लिए तैयारी में है, आज जरूर आ गया। मेरे ख्याल से अराउंड 338-340 के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, जैसे आज 2 दिन में स्ट्रेंथ दिखाया है निचला स्तर से ऊपर के तक, मेरे ख्याल से वो 338 का रेजिस्टेंस भी पार करेगा। मेरे ख्याल से अगर किसका भी लॉन्ग पोजीशन है होल्ड कर सकते ये रेंज पे और अराउंड नेक्स्ट अपसाइड टारगेट रहेगा अराउंड 355 के आसपास, ऊपर में 360 भी जा सकते हैं एक कई दिन में, और एक स्टॉप लॉस रखना है तो अराउंड 325-330 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए ये बायकॉन पर राय आती हुई और न्यूज़ बेस इंपैक्ट है जिसका एक आप देख रहे हैं 5.5% के ऊपर की तेजी बायकॉन पर। आज सुबह से ही हमने आपको त्रिमूर्ति सेगमेंट में स्टॉक बताया भी था और उसके बाद का रिएक्शन आप देख रहे हैं। राजेश जी आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन बताएं, उसके बाद नागराज जी से भी उनके साथ स्टॉक रिकमेंडेशन समझेंगे। गुड आफ्टरनून मानसी जी, तो देखिए पहला स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा टीवीएस मोटर ऑटोमोबाइल पैक पे। टीवीएस मोटर में क्लियर कट एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है और जिस तरीके से स्टॉक में अब प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट वीकली सेटअप के हिसाब से भी देखने को मिल रहा है, हमें लगता है टीवीएस मोटर को यहाँ से बाय करना चाहिए। जिस तरीके की स्ट्रेंथ है यहाँ से हमें लगता है कि इसमें मोमेंटम 785 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, तो टीवीएस मोटर हमारी पहली पीक होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें करीब 745 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है कैम्स का। ये स्टॉक में देखें तो आज काफी अच्छा मोमेंटम है स्टॉक में, पिछले दिनों में जो एक गिरावट थी कहीं ना कहीं अब उसमें एक रिवर्सल के साइन बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक 50-100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो जिस तरीके से कैंप्स में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम पिकअप होते हुए दिख रहा है हम यहाँ पे इसमें बाय करने की सलाह देंगे। 2620 से लेके 2643 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है ये स्टॉक में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। 2515 के स्टॉप लॉस से कैंप्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। और तीसरा स्टॉक रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल का। स्टॉक में करेक्शन के बाद स्टॉक में आज जिस तरीके से रिवर्सल बन रहा है हमें लगता है ये स्टॉक में अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए। स्टॉक हालांकि एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है वीकली सेटअप के हिसाब से, लेकिन हमें लगता है ये अपर
चैनल की रेंज को यहाँ से वापस से टच करते हुए यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मैकडॉवेल के टारगेट जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 815 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 778 के स्टॉप लॉस से मैकडॉवेल यूनाइटेड पे बाय करने की सलाह रहेगी। क्लियरली लिकर स्टॉक्स आज सुबह से फोकस में है ही, लेकिन इस बीच टीवीएस मोटर, अजय हमने आज हमारा क्या खबर है सेगमेंट में टीवीएस मोटर पर फोकस किया था, और तब हमने बताया भी था कि ईवी प्ले का कंपनी का कारोबार विस्तार प्लान किस तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है, और इसी के चलते खबर के दम पर फोकस में रहेगी। और अभी हम देख रहे हैं करीब 1.5% की तेजी के बीच राजेश जी की भी पसंद। और इस बीच अजय कैम्स की अगर बात करें, मई में जब जेफरीज के क्रिस वुड हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने बताया था कैम्स पर वो फोकस करें और अपना वेटेज उन्होंने बढ़ाया था अपने मॉडल पोर्टफोलियो में 3% वेटेज। बहुत बढ़िया, ये देखिए ये एक प्लेटफॉर्म कंपनी है और डायरेक्ट इसका कोरिलेशन स्टॉक मार्केट से, बाजार में काम होना चाहिए, तेजी का काम हो चाहे मंदी का काम हो, दोनों तरफ बिल्कुल। डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ग्रीन में दिखा रहा है, ओके ये भी इंटरेस्टिंग है। तभी निफ्टी फ्यूचर भी डेज हाई की तरफ आ गया, राइट। निफ्टी फ्यूचर्स का ग्राफ लेके आइए, राइट। निफ्टी अब तो बैंक निफ्टी भी हरे निशान में आने की तरफ है, राइट। तो ये लास्ट साल की तेजी क्या बैंक निफ्टी खींच सकता है, पैटर्न वाले हमारे फ्रेंड्स बता रहे थे हो भी सकता है कैचअप रैली हो जाए। हालांकि बैंक निफ्टी को तो वेटेज रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, वो 1.5% ऊपर आज रिलायंस ने नहीं होता तो शायद निफ्टी में भी हरा निशान नहीं आ पाता, इसलिए रिलायंस का पूरा पूरा दारोमदार इस पे रहा है आज निफ्टी को ऊपर लेके आने में। राजेश जी फिर एक बात बताइए आप जरा, आज की क्लोजिंग अगर 34,800 के ऊपर बैंक निफ्टी की भी हो जाए तो इसको भी तो आज मानेंगे ना कि डैमेज हुआ ही नहीं, ठीक है 10-20 पॉइंट छोड़ देते ना 35,000 का इंडेक्स है। बिल्कुल बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, लोअर साइड से 34,800 के लेवल को होल्ड करने की पूरी कोशिश बैंक निफ्टी करते हुए दिख रही है, और हमें लगता है अगर इसके ऊपर ही आज कटान होती है, देखिए डिम्पी जी मेरे लिए यहाँ पर रिवर्सल पॉइंट है, अगर हम 35,000 के लेवल को क्रॉस कर लेंगे तो बैंक निफ्टी एक अच्छा अपमूव यहाँ से बहुत जल्द दिखाता हुआ दिखेगा। अगर आप इसका वीकली सेटअप को एनालाइज करेंगे तो ऑलमोस्ट एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को यहाँ पे पेनिट्रेट करने की जरूर कोशिश करी थी, अटेम्प्ट किया था लास्ट वीक में, लेकिन वहाँ पे वो फेल होते हुए दिखा। लेकिन हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं यहाँ पे बड़ा रिवर्सल 35,000-35,200 के बाद बनते हुए दिखेगा। जैसे ही ये रेंज के ऊपर, ये लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगी तो हमें लगता है बहुत ही शार्प अप मूव बैंक निफ्टी में भी आते हुए दिख सकता है, काफी समय से एक रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 35,000 हमारे हिसाब से एक इम्पोर्टेंट लेवल है, 35,000-35,200 ये रेंज को क्रॉस करना इम्पोर्टेंट रहेगा, वहां से एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है बैंक निफ्टी में हायर साइड के लिए। ठीक है, इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनीज धीरे धीरे करके अब थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर रही है, HPCL के अंदर अब 3% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, डिबी आप अपनी बात खत्म करिए फिर मैं आपको बताता हूं। मैं एक्चुअली HPCL का, मेरे को आज की प्राइस मूवमेंट हैरान कर रही है, जब आपका 124 का क्रूड हो और उसका HPCL ऊपर आ जाए तो थोड़ा हैरानी तो होती है। दूसरा IOC ना, अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो ब्रेकआउट का कैंडिडेट है, BPCL बकायदा डे हाइस पे आ गया, बाजार अगर चल रहा है, क्रूड अगर चल रहा है तो उसके बावजूद इन कंपनीज को इस तरह से ऊपर नहीं आना चाहिए। नहीं, मैं उसको समझाता हूँ एमपी, अगर आप देख रहे हो रिलायंस चल रहा है, MRPL और चेन्नई पेट्रोल चल रहा है, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में HPP IOC लास्ट 2 महीने से आपने किसी टेक्निकल एनालिस्ट को बात करते देखा HPP IOC की? नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि जो इंडियन ऑयल रिफाइनर्स है ना अपने PSUs, वो 10 रुपए के लगभग 10 से 12 रुपए का मार्केटिंग लॉसेस झेल रहे हैं, अंडर रिकवरी जिसको, अच्छा बढ़िया रिफाइनिंग मार्जिन चल रहा है तभी मैं भाव बढ़ा नहीं पा रहा हूँ अपना, तो मार्केटिंग लॉसेस जो उनको हो रहे थे उसकी वजह से ये लोग चले ही नहीं, बाकी पूरा गांव जो है रीरेट हो गया। सुनने में ये आ रहा है और कुछ रिसर्च के जो एनालिस्ट हैं और जो बाय साइड के एनालिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं कि शायद अब BPCL IOC HPCL वो भी फेज्ड वे में प्राइस हाइक लेना चालू कर देंगे तो उनके मार्केटिंग लॉसेस वाइप आउट हो जाएंगे। जैसे ही उनके मार्केटिंग लॉसेस वाइप आउट होंगे ये लोग भी एक मूवमेंट के कैंडिडेट बन जाएंगे, इसलिए आपने जो ब्रेकआउट वगैरह देख रहे हैं आप अपवर्ड मूवमेंट, वो बेनिफिट जो MRPL चेन्नई पेट्रोल खाते रहे और HPVP IOC को नहीं मिला, शायद वो बेनिफिट इधर भी आ सकता है, इसलिए आपके रेडार पे होने चाहिए। बिल्कुल है भी इसलिए मेरे रेडार पे आया क्योंकि आज मेरे को 3% HPCL चलने का रीजनिंग समझ नहीं आ रहा था, जो आप अब बता रहे हैं कि इसको मैं बिल्कुल कोरिलेट भी कर सकता हूँ। और एक और पॉइंट भी है, HPCL BPCL अगर ये दाम बढ़ा भी देते हैं तो इसका बेनिफिट तो खैर आगे चल के आपको मिलेगा ही, और अभी ये चले भी नहीं हुए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है चले हुए नहीं है। तो खुश हमारे साथ इनफैक्ट जुड़ चुके हैं, खुश इसी से शुरुआत करते हैं आपसे इसे पूछने के सवाल, HPCL, BPCL, IOC, मैं इस तीनों में से तीनों के तीनों लेना चाहता हूँ, जरा तीनों के बारे में बताओ आप फिर।
जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग. यू आर राइट, ये जरा सा एक सरप्राइजिंग टर्न है, बट जैसा अभी अजय ने यू नो इतने विस्तार में एक्सप्लेन किया, दैट सॉर्ट ऑफ यू नो हिट्स द नेल होम. एक लॉजिक अब इन यू नो अपमूव के पीछे समझ में आया है. स्टॉक में कंसोलिडेशन हम काफी समय से देख रहे थे, तो अगर हम HPCL की पर्टिकुलरली बात करें तो देखिए यहाँ पे 230-225 के जो जोन है यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा टाइम किया है और आज यू नो एक ब्रेकआउट दिया है. दूसरा अगर मैं यू नो एक स्टॉक देखूं विच इज IOC, इस स्टॉक में भी काफी समय से हम एक यू नो अप ट्रेंड देख रहे हैं, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 120 के लेवल्स का. तो अगर इन दोनों में से मुझे पिक करने हो तो मैं फिलहाल HPCL को पिक करूंगा. यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जो मोमेंटम है ये ज्यादा यू नो स्ट्रॉन्ग लग रहा है, एंड देयर इज अ गुड चांस कि आने वाले समय में ये यू नो जो अपने ये जो ब्रेकआउट है इसे कैरी फॉरवर्ड करके नए यू नो हायर लेवल्स पे जा सकता है. यहाँ टारगेट होगा 247-248 के जो जोन है यहाँ का, और जो स्टॉप लॉस है वो पास का 234 के आसपास का लगा के चलिए.